मुरारबाजी के स्वराज्य में शामिल होने की कहानी हमने पिछले वीडियो में देखी। आज हम वीर मुरारबाजी का रण संग्राम देखेंगे। शाइस्ते खान का पराभव और सूरत की लूट की वजह से औरंगजेब बहुत क्रोधित था। शिवाजी का बंदोबस्त करने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजे जयसिंह को चुना और स्वराज्य पर भेज दिया। मिर्जा राजे और दिलेर खान ने पुरंदर को अपना लक्ष्य बनाया और पुरंदर की ओर निकल पड़े। मुगल सेना को अब पुरंदर दिखाई देने लगा। तभी अचानक शोर मच गया। मुगल इधर उधर भागने लगे। खान आश्चर्य से देखने लगा। पुरंदर के मराठी सैनिकों ने अचानक हमला बोल दिया था। जितने हो सके उतने मुगलों को मारकर मराठे फैल गए। मराठे कहाँ से आए और कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। गद्दार मराठे, अब नहीं छोड़ूंगा। और दिलेर खान की फौज और मिर्जा राजे ने पुरंदर को चारों ओर से घेर लिया। दोनों तरफ से तोपों का जोरदार हमला हो रहा था। पुरंदर किले के नीचे खड़ी और मुश्किल पहाड़ी होने के कारण मिर्जा राजे और दिलेर खान की तोपों को पुरंदर पर हमला करना मुश्किल हो रहा था। पुरंदर के पास उसका भाई वज्रगढ़ था। दिलेर खान ने वज्रगढ़ को पहला लक्ष्य बनाया और अपनी सारी शक्ति वज्रगढ़ पर लगाई। वज्रगढ़ से बड़ा प्रतिकार हो रहा था। तोपों के गोले गिर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। वज्रगढ़ से गडकरी और पुरंदर से मुरारबाजी एक एक करके मुगलों के हमले का सामना कर रहे थे। इन सब में दिलेर खान का प्रयास एक ही था, तोपों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाना। जल से तोपों को ऊंचाई पर ले चलो, हमें वहाँ से वज्रगढ़ की तटबंदी पर वार करना है, चलो जल्दी से। मुगलों के पास लंबे पल्ले की तोपाएं थी। एक एक तोप को 80-80 बैलों के सहारे लाना पड़ता था। इंसानों के सहारे तोप ऊपर चढ़ने लगी। हर वक्त मौत का खतरा होते हुए भी सैनिक बड़ी ताकत से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आखिर में 3 दिन के परिश्रम से दिलेर खान की पहली तोप वज्रगढ़ के तटबंदी पर हमला करने लायक ऊंचाई पर पहुंच गई। दिलेर खान बेहद खुश था। वज्रगढ़ से 300 मराठे सैनिक जोरदार हमला कर रहे थे। पुरंदर से वज्रगढ़ को अभी मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुरंदर को मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी सिर्फ 300 मावले हजारों की सेना से बड़े शौर्य से लड़ रहे थे। 3 दिन तक मराठे लड़ते रहे। तीसरे दिन मुगलों की फौज भयानक मुश्किल पहाड़ी पर आ पहुंची। अब मुगलों की तोपाएं जोरदार हमला करने लगी। तोपों की मार से वज्रगढ़ का एक बुरुज गिर गया। मुरारबाजी को अब वज्रगढ़ की स्थिति दिखाई दे रही थी, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिर में मुगलों की फौज ऊपर आ पहुंची। शमशेर, भाले, पट्टे चलने लगे। घनघोर लड़ाई शुरू हो गई। फिर 300 मराठे हजारों मुगलों से लड़ रहे थे। मराठों ने मुगलों के 80 सैनिक मार दिए और 110 जख्मी कर दिए। आखिर में मराठों ने हथियार रख दिए। मिर्जा राजे ने उन्हें अभय दिया और उन्हें छोड़ दिया। वज्रगढ़ अब मुगलों के कब्जे में था। पुरंदर का खतरा और बढ़ गया था। महाराज का पुरंदर पर पूरा ध्यान था। पुरंदर को मुगलों ने घेर लिया था, फिर भी महाराज ने मुरारबाजी की सहायता के लिए पुरंदर पर सेना भेजने की ठान ली। धाड़सी मराठे सैनिक दारोगोला लेके रात के अंधेरे में भागते हुए हजारों मुगलों की नजरों से चुपके बिना आवाज किए पुरंदर के केदार दरवाजे तक आ पहुंचे। पुरंदर ने उन्हें पहचान लिया और अंदर लिया। सेना और दारोगोला की सहायता आने से मराठों में नई उम्मीद जागृत हुई। ये खबर दिलेर खान तक पहुंच गई और वो बहुत गुस्सा हो गया और पूरी ताकत से पुरंदर पर हमला करने लगा। मुरारबाजी भी चुप नहीं बैठे थे। सही वक्त आने पर वे भी मुगलों पर हमले कर रहे थे। एक रात्रि को ऐसे ही मुरारबाजी ने छापा डालने का निश्चय किया। उस रात मराठों का एक गढ़ चुपके से नीचे उतरा और बेसावध मुगलों पर अचानक हमला बोल दिया। कुछ मराठों ने बहुत सारी तोपाओं को निकामी कर दिया।
सब लोगों को पता चलने के पहले ही वे कई मुगलों को मार के जख्मी करके और तोपाओं को निकामी करके मराठे पुरंदर पर वापस पहुंच गए। दिलेर खान और मिर्धा राजे चौंक गए, दोनों जमकर हमला कर रहे थे। दो हफ्ते बीत गए, मराठे सफेद बुरुज से जोरदार हमला कर रहे थे। मराठों के हमले से मुगलों का बहुत नुकसान हो गया। मराठों का पराक्रम देख के मिर्जा राजे चकित हो गए। दिलेर खान ने जानकारी हासिल करके एक नई और मुश्किल योजना बनाई। उसने सफेद बुरुज के नीचे गड्ढा खोदने की सोची और मुगल सैनिक आगे बढ़े। वो सफेद बुरुज के नीचे गड्ढा खोदने लगे, परंतु मराठों ने भी ठान लिया था कुछ भी हो पर आखिरी दम तक लड़ेंगे। मराठों ने भी योजना बनाई थी, अगर सफेद बुरुज को मुगलों ने काबिज किया तो आगे क्या करना है। सफेद बुरुज के पीछे और एक बुरुज था, काला बुरुज। इन दो बुरुजों को जोड़ने वाली एक भक्कम तटबंदी थी। उस तट में दारूगोला जमा कर रखा था। अगर मुगलों ने सफेद बुरुज काबिज कर लिया तो वे यहाँ जमा होंगे। एक बत्ती देते ही सभी मुगल एक वार में नीचे गिर जाएंगे। सूरज ढल रहा था, सफेद बुरुज से असली मराठे लड़ रहे थे। अचानक बड़ा धमाका हुआ। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सफेद बुरुज के असली सैनिक अचानक हवा में उछल गए। मुगलों को उड़ाने के लिए रखा गया दारूगोला अचानक भड़क गया और असली मराठे वीरगति को प्राप्त हुई। अंधेरा छा गया, बहुत धुआं आसमान में छा गया। दिलेर खान को भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर क्या हुआ है हुजूर, क्या हुआ है हुजूर, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मराठों ने हमारे लिए किया हुआ नियोजित दारूगोला उन पर ही फूट गया और मराठों के 80 सैनिक मारे गए। दिलेर खान खुश हो गया। खुदा रहम दिल है, हजारों सैनिक जो पूरी महीने की प्रयास से ना कर सके वो खुदा की मेहरबानी से आज हो गया। दिलेर खान के सैनिकों का हौसला बढ़ गया। अब वे सफेद बुरुज पर आ गए और उन्होंने काले बुरुज को अपना लक्ष्य बनाया। सफेद बुरुज से काले बुरुज पर तोपाओं का मारा होने लगा। उस हमले से काले बुरुज के मराठे जख्मी होने लगे। पुरंदर की माची को मुगलों ने अपने कब्जे में कर लिया। ये हार मुरारबाजी को सहन नहीं हुई और घनघोर लड़ाई शुरू हुई। मुरारबाजी ने रुद्रावतार धारण कर लिया था। वज्रगढ़ और सफेद बुरुज हाथ से जाने के अपमान में मुरारबाजी पागलों की तरह लड़ रहे थे। मराठों के और मुरारबाजी के भयानक हमले से मुगल सैनिक घबरा गए। ये देख के दिलेर खान चौंक गया। मुरारबाजी एक एक को काट के आगे बढ़ने लगे। उनकी नजर दिलेर खान पर थी। मुरारबाजी का शौर्य देखकर दिलेर खान बहुत डर गया। ये मराठे तो सफेद बुरुज के धमाके से भी ज्यादा भयंकर है। तोबा तोबा, ये तो शैतान है शैतान। शिवाजी के मावले ऐसे तो शिवाजी कैसा होगा। अचानक खान के मन में कुछ आ गया और वो बोला, रुको। मुरारबाजी रुक गए। जय मर्दाना, जय बहादुर, तुम्हारी ये जंग बहादुरी देखकर मैं निहायत खुश हुआ हूँ। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शान रखेंगे। बहादुर चलो हमारे साथ चलो। खान के ये लफ्ज सुन के मुरारबाजी को अपमान महसूस हुआ और मुरारबाजी ने भी खान को जवाब दिया, खान मतलब क्या है तुम्हारा, मैं शिवाजी महाराज का सिपाही हूँ, तुम मुझे फितूरी सिखाओगे, भाड़ में जाए तेरा इनाम और बख्शीश, मुझे नहीं चाहिए तेरा इनाम, मुझे सिर्फ तेरा सिर चाहिए सिर। मुरारबाजी जोर से चिल्लाए और दिलेर खान की और तेजी से बढ़ने लगी। खान ने जल से बाण को निकाला और मुरारबाजी पर वार कर दिया। मुरारबाजी को बाण लग गया, फिर भी उनकी शमशेर चल ही रही थी और आखिर में ढाल हाथ से छूट गई और मुरारबाजी गिर पड़े। स्वराज्य ने अपना और एक वीर खो दिया और इसी तरह से मुरारबाजी ने अपना धर्म निभाते हुए आखिरी दम तक स्वराज्य की सेवा की। इस वीर योद्धा का गौरव हम हमारे मन में सदैव जागृत रखेंगे और आप भी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें
कि इस स्वराज्य के वीर योद्धा का पराक्रम सबको पता चले। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भवानी, जय शिवराय।